ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज आप मुझे जो देख रहे हैं, मैंने बिंदी नहीं लगाई है, रह गया भूल गई हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पहुँची हूँ, ये पहाड़ है, छोटी सी पहाड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, पर हाँ, इस पे चढ़ने में मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं, 10-15 मिनट लग जाते हैं। बहुत आराम से चढ़ूँ तो 20 मिनट लग जाते हैं, और जल्दी जल्दी थोड़ा चढ़ जाऊँ तो 10 मिनट में चढ़ पाती हूँ। तो ऐसे स्थान पर मैं आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ये स्थान जो भी है, गड़गा पड़ा है, जैसा पहले भी बताया है मैंने, यहाँ मैं कई बार आती हूँ, मुझे ये जगह अच्छी लगती है, पास में गौशाला भी है। मित्रों, आप यदि मैं आपको घुमा कर दिखाऊँ, आप देखिए आसपास कहीं भी कोई व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक कोई व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोई है नहीं। मैं ऐसे स्थान पर आके पहुंची हूँ, लेकिन हाँ, आपको मैं बहुत दूर दिखाऊँ तो शायद आपको कहीं रोड दिखाई दे तो आपको पता चले कि वहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। और उसके बाद वहाँ से मैं आई हूँ, अपनी गाड़ी मैंने नीचे खड़ी की है और मैं ऊपर तक आई हूँ। तो मैंने देखा कि जब तक मैं रोड पर चल रही थी, मेरे साथ बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से लोग थे। जब थोड़ा वहाँ से अंदर को आई, अर्थात थोड़ा गांव की तरफ आई, तो लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। और जब मैंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया तो मुझे एकाध लोग दिखे, और जब मैं ऊपर आई तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। और चढ़ते समय एक चीज और समझ में आई कि हमेशा झुक के ऊपर जाना पड़ता है, अर्थात प्रकृति का नियम ये है कि जब आपको ऊपर जाना है ना, तो आपको झुक जाना पड़ता है। लेकिन मनुष्य हमेशा उल्टी चीजें करता है। वो क्या सोचता है, मुझे झुकना नहीं आता है, मैं झुक नहीं सकता हूँ, मैं झुक नहीं सकती हूँ। ऐसी स्थिति में जब वो झुकता नहीं है तो ऊपर नहीं उठ पाता है। और हमारे अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सबके साथ रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, सबके साथ रहकर आगे बढ़ना एक स्थिति तक संभव है, लेकिन यदि आपको ऊंचाइयों को छूना है, आपको किसी विशेष जगह पे पहुंचना है, तो आपको आगे की यात्रा अकेले ही करनी होगी। जैसा कि मैं अभी आपको बताया, मैं पहाड़ी पर आ रही थी, धीरे 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 लोगों की संख्या कम हो गई, अर्थात लोग पीछे छूटते चले गए। ये स्पष्ट बताता है कि हर किसी में ऊपर चढ़ने की क्षमता नहीं होती, और दूसरी बात कहें तो हर किसी को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिसकी आवश्यकता वो चढ़ता ही है, और जिसकी आवश्यकता नहीं वो नहीं चढ़ता है। और हम आवश्यकता कई बार बनाते हैं, होती नहीं पर हम बना लेते हैं। हाँ, वैसे ही मित्रों, मैं अपनी बात करूं, मुझे पहाड़ियों पे आना अच्छा लगता है, तो मैंने इसको अपनी आवश्यकता बनाया और मैं चढ़कर आ गई। मित्रों, सबकी जरूरतें, सबकी आवश्यकताएं समान नहीं होती और नहीं हो सकती। किसी किसी को लोगों के बीच में रहके उनको लगता है कि भाई हम अपने जगह सही हैं। किसी किसी को ऊंचाई चाहिए होती है, कोई लक्ष्य चाहिए होता है, पर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनको लगता है कि जब तक सब मेरे साथ नहीं है, उस लक्ष्य पर पहुंचने का कोई लाभ नहीं है। मित्रों, हर लक्ष्य की अपनी कुछ अनुभूतियां होती हैं, कुछ अपना अच्छापन होता है, कुछ अपनी बुराइयां होती हैं। पर हाँ, यदि आपका लक्ष्य सही है तो उसमें बुराइयां नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। ये बुराइयां हमने जो देखी हैं, वो अधिकांश हमने गलत चीजों में देखी हैं। आप यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप एक विश्वास करिए कि आपको कभी भी कुछ गलत चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, मैंने कई बार मेरे बारे में आपको बताया है, कुछ छोटी छोटी बातें बताई हैं, आज अपने बारे में एक छोटी सी बात और बताऊंगी। जब मैंने प्राणायाम के रास्ते पर कदम रखा था ना, जब मैंने इसमें इस क्षेत्र में सेवा के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि मैंने 8 साल प्राणायाम में सेवा की है, उसके बाद मैंने फीस लेना आरंभ किया था, क्योंकि मेरी आवश्यकता हो गई थी वैसे। तो जब मैंने 8 साल सेवा की, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था, सबको ये लगता था, मेरे अपनों को, मेरे घर के लोगों को, कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। जो समय मैं दे रही हूँ वो समय किसी काम नहीं आने वाला, उससे मुझे कुछ उपजता नहीं है, मुझे कुछ मिलता नहीं है। पर मैं उनको कभी नहीं समझा पाई कि मेरे मन को उस समय कितनी शांति मिलती थी। और मेरे आसपास के लोग भी कई बार ये बात कह दिया करते कि दीदी आप कर सकते, हमारे बस का काम नहीं है, ये क्यों नहीं है मैं नहीं जानती।
पर कुछ लोगों ने ये बात मुझे अवश्य कही। मित्रों, इसलिए मैंने आपको एक बात बोली, यदि आपको कोई लक्ष्य पाना है, कोई विशेष लक्ष्य आपको पाना है, तो मत देखिए आपके साथ कौन है, मत देखिए आप भीड़ से अलग निकल गए हैं, क्योंकि भीड़ के साथ चलने वाले तो भीड़ ही होते हैं और भीड़ को दिशा देने वाले भीड़ से अलग होते हैं। यदि आप भीड़ से कुछ अलग बनते हैं तो आप कुछ अच्छा, कुछ नया हासिल करते हैं। और एक बात, जब आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे ना, तब जो आपके पीछे रह गए हैं, जिनको आप छोड़ के आए हैं, जो आप जिनको आप साथ में लेके चलना चाहते थे पर वो साथ में आने को तैयार नहीं थे, वो सब जब आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे तब कहीं ना कहीं आपसे अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि तब वो ये कहेंगे, अरे हमें पता नहीं था ये इतना अच्छा है, ये ऐसा है, पर हाँ अब आप आगे निकल चुके हैं। पर ऐसे में आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि भले आप आगे निकल गए हैं पर आप इतना झुकना सीख चुके हैं, क्योंकि पहाड़ियों पर आप चढ़े हैं, आप ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, तो आप इतना झुकना सीख चुके हैं कि जो आपके साथ आप जुड़ना चाहते हैं उनसे आप कतराएंगे नहीं, उनसे अपने आप को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे जुड़ना आपके लिए भी अच्छा है। मित्रों, सफलता की यात्रा हमने देखा है, हमेशा अधिकांश लोगों को अकेले ही पूरी करनी पड़ती है, कोई साथ नहीं देता। और यदि आप सोचते हैं कि सब साथ दें तो हम सफल हो जाएंगे, संभव नहीं होता। आज जैसा कि मैंने बोला कि मैं इतना सब कुछ पीछे है, पहाड़ी है सब, हाँ जैसा कि मैंने कहा था बिंदी नहीं लगाई, ये बिंदी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मैं साथ में लाना भूल गई और लगाना भूल गई थी, तो रह गई है। इसलिए कहा ना, कुछ पाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, अब मेरी स्थिति वैसी नहीं थी कि मैं वापस वहां तक जाऊं और वापस लेके आऊं, नहीं, इससे मैंने कहा जैसे वीडियो बनाया जाए कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप लोग इतना जानते हैं कि भाई क्या है, तो कुछ बातें बताने में भी आसान हो जाती हैं। और आपकी देह में कोई रोग विशेष है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने में कमजोर बना रहा है, आपको मजबूत नहीं होने दे रहा है, तो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिनमें आपके रोग विशेष अनुसार आपको वीडियो मिल जाएंगे, और हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ है। वो नियम पालन प्राणायाम करके आप अपने भीतर इतना सामर्थ्य जुटा सकते हैं कि आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को भीतर से मजबूत बना सकते हैं। और यदि आपको अपनी सुविधा अनुसार, आपके अपने रोग अनुसार वीडियो नहीं मिल रहा है तो वीडियो पर टिप्पणी करिएगा, हम आपको उत्तर दे देंगे। पर नियम पालन प्राणायाम करने से आप तन, मन, मस्तिष्क और बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक के सभी रोगों का समाधान आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ अलग से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद। वंदे मातरम।